एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरफ से एक ह्यूमन फेस को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत सुंदर होने वाली है, तो वीडियो पूरा से पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूमन फेस को ड्राॅइंग करने के लिए मैंने बेसिकली कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि डार्क होगी तो दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। और डार्क वाले में आपको समझाने में भी बिल्कुल ठीक तरफ से समझाऊंगी। अगर लाइट पेंसिल से इस्तेमाल करूँ तो आप ठीक तरफ से देख नहीं पाओगी, तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आएगी। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट कैमलिन के सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से एक सर्कल बनाऊंगी फ्री हैंड से। आप भी फ्री हैंड से सर्कल बनाइए, इससे आपको फ्री हैंड जो प्रैक्टिस वो भी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये ह्यूमन पेंटिंग का जो बेसिक है वो भी ठीक से हो जाएगी। सर्कल तो हो गई, अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर लिया, देन मैं दिखाऊंगी कि मुझे कैसे प्रकट। अब जो बड़ा सर्कल है उसके नीचे मैं उससे भी साइज में छोटा एक सर्कल ड्रॉ करूंगी नीचे तरीके से। देखो कहां पर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। अब जहां जहां पे आई, नोज और लिप ड्रॉ करनी है वहां पर एक बेसिक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने बस 1, 2, 3, 4 लाइन को ड्रॉ कर लिया। तीन अलग अलग पार्ट हो चुके। अब जो लिप के नीचे का जो पार्ट है उनकी वो हम ड्रॉ कर लिए। बेसिकली तो मैं फर्स्ट टाइम ही डायरेक्ट आई को नहीं ड्रॉ करूँगी, फर्स्ट टाइम उसे एक स्क्वायर यानी कि बॉक्स करके कहाँ पर ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है उसका एक शेप ला के दूँगी। देन मैं प्रॉपरली एक एक करके ड्रॉ करूँगी। तो लिप के लिए भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, हेड के हेयर। देखो मैं किस तरफ से ड्रॉ कर रही हूँ, जहाँ जिस तरफ से अगर राउंड शेप में तो बॉक्स को राउंड राउंड करके नहीं, राउंड राउंड शेप पे बॉक्स बॉक्स करके करना है। अब मैं प्रॉपर करके एक एक करके आई, नोज, लिप प्रॉपरली ड्रॉ करूँगी। अगर आप इस बॉक्स को इस्तेमाल करके ड्रॉ करोगी तो बहुत ही हेल्पफुल होगी ये आपकी। अगर आप डायरेक्ट आई, नोज या लिप ड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाओगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली एनाटॉमी में एक आई नीचे तो एक आई ऊपर, नोज थोड़ा हिल चुका है, ऐसा दिखने में लगेगी। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम आप कोई स्क्वायर बॉक्स की इस्तेमाल करके लाइटली उस बॉक्स के अंदर ही ड्रॉ करो तो दिखने में भी अच्छा होगी। अब मुझे जितना साइज के फेस का ज़रूरत है मैंने उस फेस का छोटा या बड़ा करके उस तरफ से कर लिया। अब हेयर की बारी है, तो हेयर वगैरह ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट टाइम तो हेड के हेयर का जो लेयर एंड हेयर को ड्रॉ करना पड़ता है। तो उसका ड्रॉ करने के बाद अब मैं हेयर को ड्रॉ करूँगी बॉक्स हेड में जो मैं बॉक्स लगी उस बॉक्स के हिसाब से, उस स्क्वायर वाले बॉक्स के हिसाब से ही मैं हेयर को भी ड्रॉ करूँगी। तो ये जो तो नॉर्मल शेडिंग है तो डार्क लाइट एरिया के लिए मैं हल्की हल्की करके, जहाँ पर डार्क की ज़रूरत है वहाँ पर डार्क, जहाँ पर लाइट की ज़रूरत है वहाँ पर लाइट करके नॉर्मली शेडिंग कर रही हूँ। अब गले पे थोड़ा डार्क शेडिंग कर लूँगी, क्योंकि फेस का जो शेडो है वो फर्स्ट टाइम गले पे आती। तो अब मैं हेयर ड्रॉ कर रही हूँ, हेयर पे भी मैं इस तरीके से शेडिंग करूँगी, ज़्यादा रियलिस्टिक शेडिंग नहीं, नॉर्मल स्केचिंग करके शेड करूँगी डार्क एरिया को समझाने के लिए। सो बेसिकली इस तरीके से हम एक ह्यूमन फेस को नॉर्मल ह्यूमन फेस एनाटॉमिक बेसिक से ड्रॉ कर सकते। तो एक कोई पोर्ट्रेट नहीं है इसलिए सिंपल तरीके से ड्रॉ किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।